Example number 7, from page number 7.19. So that illustration is related to your GST. We will be doing the illustration related to GST. It means ki GST aapka journal mein bhi banega aur cash book mein. Jahan main GST jis chapter mein karwa rahi hu us chapter ka part hai GST. Like ledger mein humne GST nahi kara to ledger mein GST nahi banta. Right? Journal mein sara kuch GST ka kara hai. So that you have to prepare for your exam. Let's start with. It is on 1st February cash balance. Matlab balance in hand. और बैंक बैलेंस का खुद ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट का बैलेंस है सो दैट यू विल बी राइटिंग ऑन द क्रेडिट साइड राइट वो आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे चलिए जी लेट्स स्टार्ट विद पहले इसी का लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक वाले कॉलम का कितना बैलेंस है स्टूडेंट्स 45,000 व्हाट इज द कैश बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेट्स वाले कॉलम आप हमेशा खुद फिल करते हो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज 60,000 चलिए जी आगे पढ़ते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश पहले एंट्री करते हैं परचेसेस अकाउंट डेबिटेड इनपुट सीजीएसटी डेबिटेड इनपुट एसटीएससी डेबिटेड और कैश में खरीदा है टू कैश बाय परचेसेस बाय इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एसटीएससी सारी अमाउंट कैश में चाहिए तीनों मतलब पहले जब विदाउट जीएसटी होता था मैं सिर्फ बाय परचेसेस लिख के छोड़ देती थी लेकिन क्योंकि आप इनपुट भी डेबिट हुआ है इनपुट सीजीएसटी भी डेबिटेड हुआ है एससीएसटी डेबिटेड हुआ है तो दोनों को यहां पे लिखेंगे बाय परचेसेस अमाउंट बोलो टैक्स के बिना बोलना 30,000 6% 1800 1800 ईच ठीक है जी तो लिख दीजिए फिर बाय परचेसेस 30,000 बाय कितना आसान है बस इधर टू आउटपुट हो जाया करेगा इधर बाय इनपुट हो जाया करेगा बाय इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एसजीएसटी 30,000 का 66% उसने खुद हमें परसेंटेज दे रखी है 1818 डन आगे चलते हैं सोल्ड गुड्स अगेंस्ट अ चेक एंट्री क्या बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी हो सकता है ये आउट ऑफ स्टेट हो तभी तो आईजीएसटी हो ठीक है तो क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स टू आउटपुट बोलो आईजीएसटी आउट ऑफ द स्टेट सेल्स की अमाउंट कितनी है स्टूडेंट्स 40 का 12% किया 4800 लिख दूं ओके अगली लाइन पढ़नी थी ना पहले 7 फरवरी को ये सामान बिका और आपको चेक मिला 10 फरवरी को कहता है मैंने वो चेक बैंक में जमा करवाया अब क्या करें अब सारा सीन चेंज अब सारा सीन चेंज पहले क्या मानेंगे 7 फरवरी को क्या मानेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स बस चेक इन हैंड में जीएसटी के अमाउंट ऐड करके देगा वो मेरे को जब किसी बंदे को मैं सेल कर रही हूं देखना जरा मैं उसे बिल भेजूंगी बिल में मैं क्या करूंगी 40,000 प्लस मैंने क्या किया होगा 12% ऐड करके उसे बिल भेजा 44,800 का उसने मेरे को चेक ग्रैंड टोटल का दिया होगा प्रैक्टिकल होके सोचो एंट्री क्या बननी चाहिए कैश बुक के अकॉर्डिंग सिंपल जर्नल में एंट्री जो हम करते हैं वही बननी है बैंक कैश बुक में इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए ठीक है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स तो 7 फरवरी वाली नहीं आनी एंट्री 10 फरवरी को आपने वो चेक बैंक में भेजा है एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड कहीं पे आउटपुट शो ही नहीं किया ठीक है इन दैट केस वी हैव टू स्किप द आउटपुट तो मैं तभी हमेशा कहती हूँ कि अगली एंट्री जरूर पढ़ लो क्या जो चेक मिला है उसी दिन बैंक में जमा करवाया या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन ठीक है सो एज आई वॉज राइटिंग इट विद वॉट चॉक तो इट इज ईजी फॉर मी टू इरेज और वहां पे आप अगर और एक बात ओएमआर शीट मिलनी है पहले पेंसिल से डार्क कर लेना ठीक है बाद में 5-10 मिनट का मार्जिन रखना कि उसे पेन से डार्क करो अगर क्योंकि रिवाइज करते हुए कोई ऑप्शन होगी अगर आपने क्रॉस करके किया व्हाइटनर करके किया हमने नहीं करना कंसिडर हमने पहले वाला आंसर ही करना कंसिडर ठीक है तो अब देख लो ये ना हो कि पेंसिल के साथ ही आप सबमिट करवा दो एंड में आपके पास टाइम ना हो दिस इज माई सजेशन कि पहले सर्कल्स को पेंसिल से डार्क कर लेना और उसके बाद जब रिवाइज करोगे फिर उसे पेन से करते रहना सो दैट यू कैन बी श्योर कि मैंने ठीक किया डार्क कई बार होता है ऊपर नीचे का क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं लाइक करना मैंने 19th का डाक था आपने 18th का के लिए पढ़ लिया उसे और 18th के सामने उसे डाक कर दिया तो दोनों इंटरचेंज हो गए आंसर सो दैट यू नीड टू बी श्योर आंसर बुकलेट अलग होगी ओएमआर शीट अलग होगी आंसर बुकलेट आपके पास ही रहेगी पेपर के बाद भी ओएमआर शीट आप डिपॉजिट करवा के जाओ ठीक है चलो जी
सो दिस इज व्हाट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड, टू सेल्स टू आउटपुट नहीं आएगा, टू चेक इन हैंड, बोलो कितने का, एड करके। तो यही कैलकुलेशन है, दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रिकी पॉइंट, यही हमारा ट्रिक था क्वेश्चन में। 10th फरवरी डन, 11th फरवरी रेंट पेड बाय चेक, रेंट के ऊपर जीएसटी लगता है, रेंट अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी डेबिटेड, इनपुट एससीएसटी डेबिटेड टू बैंक, बाय रेंट बाय इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एससीएसटी कर दूं, बाय रेंट अकाउंट भी साथ में लिखना होता है, बाय इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एससीएसटी, राइट। रेंट की अमाउंट बोलिए कितनी है विदाउट टैक्स, 20,000, फिर 6-6% बैंक के थ्रू है, 1200 1200 ईच, डन है स्टूडेंट्स, रेंट तक डन। आगे चलते हैं, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम धवन और साथ में लिखा डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू धवन, दैट्स इट, इट्स नॉट गोइंग टू बी माय चेक इन हैंड, क्योंकि उसी दिन जब आप उसे बैंक में जमा करवा देते हो तो एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड चेक को, मतलब जो जर्नल में हुआ करती थी वही यहाँ पे हुई, ठीक है। वी डिपॉजिटेड इट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे टू धवन, कितने का चेक मिला बेटा जी, 18,000, आई विल बी राइटिंग इन माई बैंक कॉलम। आगे चलते हैं, सैलरी इज पेड इन कैश, सैलरी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, दैट्स व्हाई इज नॉट राइटिंग, यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट इट, सैलरी इज ऑलवेज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर टैक्स डिपॉजिट करवा चुका होगा तो दोबारा एम्प्लॉय से थोड़ा टैक्स लेना, ठीक है। और ओके, यहाँ पे उलट है, मैंने रिवर्स लाइन बोल दी, सैलरी इज ऑलवेज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, तो हम ऑलरेडी टैक्स डिपॉजिट करवा चुके हैं उनके बिहाफ के ऊपर, हमने सैलरी के ऊपर यहाँ पे जीएसटी नहीं दिखाना, ठीक। तो बाय सैलरी सिंपल, किसके थ्रू पेमेंट करिए, कैश के थ्रू, कुछ नहीं लिखा भी है कैश, 15,000। चलो जी आगे चलते हैं, और सैलरीज के ऊपर वैसे भी टीडीएस कटता है, जीएसटी नहीं होता, बताया हूं आपको, एक चीज के ऊपर दो टैक्स थोड़ा लगने हैं, सिंगल टैक्स। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज जीएसटी के बिना है, फिर पर्सनल यूज, पहले पर्सनल यूज कर लूं, बाय ड्रॉइंग्स 7,000, बैंक में से निकलवाया, चलो कॉन्ट्रा करवाओ, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ठीक है सर जी, कॉन्ट्रा कितना, 11,000 कैश के कॉलम में, उधर क्या लिखूं, बाय कैश साथ में सी, और बैंक के कॉलम में 11,000, डन, कॉन्ट्रा डन। आगे चलते हैं, कमीशन रिसीव्ड इन कैश, बोलो कैश अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी डेबिटेड, इनपुट एससीएसटी डेबिटेड टू कमीशन, टू कमीशन, इनकम सारी इधर आती है, टू कमीशन, टू इनपुट सीजीएसटी, हाँ आउटपुट आएगा, गुड, इनकम के ऊपर आउटपुट आता है, एक्सपेंस के ऊपर इनपुट आता है, ठीक है, आउटपुट आएगा, टू आउटपुट एससीएसटी, बताइए कमीशन की अमाउंट कितनी है, बोलो 12,000, 6% 720, ठीक है, दिस इज व्हाट 12,000, 6% ईच 720। आगे चलिए, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, फिर से कॉन्ट्रा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कितना कैश बैंक में जमा करवाया, 5,000, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश 5,000, बैंक वाले कॉलम में, यहां पे मैं लिखूंगी बाय बैंक, अमाउंट कैश वाले कॉलम में 7,000। आगे चलते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यस, हाँ, टू सेल्स टू कैश, किसने बोला टू कैश, टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एससीएसटी, ठीक है, टू सेल्स 20,000, कितने परसेंट है, 1200 टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट, सो नाउ इट्स योर टर्न, यू कैन बैलेंस इट वेल, ठीक है, मैंने प्लस माइनस नहीं करवाना, बिकॉज क्वेश्चन इज वेरी इजी, कोई एक्सेस वाला क्वेश्चन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस इलस्ट्रेशन वी लर्न हाउ जीएसटीज आर टू बी एंटर्ड इन योर कैश बुक, राइट।
8th illustration you can see yourself, 8th follow-up मैंने आपके साथ discuss करनी है, 8th follow-up. We will just discuss debit में आना है, credit में आना है, कैसे आना, ठीक है? चलिए this is December 1st, page number 7.23, everybody will open. Page number 7.23, everybody will open. Cash in hand, कहाँ पे लिखूं? मधु. Cash in hand, debit side क्या लिखूं उसके आगे? कैश इन हैंड नहीं, क्या पहले आपने बोला कैपिटल, फिर आपने बोला गलत. टू कैश, कैशबुक में टू कैश थोड़ी ना लिखना है, कॉन्ट्रा थोड़ी ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भाई. कैश इन हैंड मींस मेरे हाथों में इतना पैसा है, मींस पिछले महीने बचा होगा, इस महीने की बिगिनिंग में है मेरे पास. कैश इन हैंड इज ओपनिंग बैलेंस, माइंड इट. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इन कैश कॉलम, राइट. ओपन द बैंक अकाउंट. चलो सुजश, बैंक अकाउंट खोला एक. बैंक अकाउंट खोलने का मतलब है बैंक में पैसे जमा करवाए, कॉन्ट्रा नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. नई बात आपके लिए, और ये कोई नई बात नहीं है. अगर मैं जर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, जर्नल में भी सिखाया हुआ है ओपन डा बैंक अकाउंट. कहीं पे अकाउंटिंग इक्वेशन में भी ये पॉइंट आया हुआ है ओपन डा बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कॉन्ट्रा दोनों साइड पे लिखोगे तभी कैश बुक आंसर आएगा, ठीक है? चलिए जी आगे. चलिए सर, कैश परचेसेस. दीपक बिल्कुल ठीक, बाय परचेसेस कैश के कॉलम में. अगला भी आपने बोलना. Received a check of rupees 400 from Mr. Prabhakar and gave him discount 25. पहले तो आपने मेरे को ये बताना 400 में से 25 माइनस करूं कि ऑलरेडी माइनस है. लेट हिम थिंक. 400 में से 25 रुपए माइनस करके 375 का चेक मिला प्रभाकर से कि 400 का ही मिला. हाउ विल यू थिंक, व्हाट एनालिसिस यू विल मेक? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रिसीव्ड लिखा है ना, और रिसीव के साथ अमाउंट लिखी है. इट मीन्स कि प्रभाकर से कहीं मैंने 425 लेना होगा, 25 रुपए काट के उसने मेरे को 400 का चेक दिया. बोलो जी कहां करूं? क्यों प्रभाकर, कौन से कॉलम में? बैंक के कॉलम में. यहां पे दीपक हमारी ड्यूटी बनती थी और हमें डिस्कस भी करना चाहिए ये चेक कब बैंक में जमा करवाया. मैंने आगे वाली मैंने निगाह मार ली, आगे वाली मैंने 3-4 लाइनें पढ़ ली, कहीं पे सब्सिक्वेंटली डिपॉजिट नहीं करवाया. इट मीन्स उसी दिन करवाया, ठीक है? तो इट इज आवर ड्यूटी टू रीड, राइट. आगे चलते हैं कैश सेल्स. चलो दीपांशु, कैश सेल्स बेटा जी, 8th on 6th December. बिल्कुल ठीक. टू सेल्स, अमाउंट कौन से कॉलम में? डन. अगला भी आप ही बताओ. रिसीव्ड अ चेक ऑफ रुपीज 100 फ्रॉम वेंकटेश फॉर इंटरेस्ट. यस, सोच समझ के बोलना. रिसीव्ड अ चेक ऑफ रुपीज 100 फ्रॉम वेंकटेश फॉर इंटरेस्ट. फॉर इंटरेस्ट इज अंडरलाइंड वर्ड हियर. गुड. टू इंटरेस्ट अकाउंट, नॉट टू वेंकटेश. बंदे का नाम थोड़ा आना, इनकम का नाम आना, ठीक है? सो इनकम विल ओवरपावर हियर, दिस इज नॉट माय पर्सनल अकाउंट. अगर मैं टू वेंकटेश लिख देती हूँ, मैं वेंकटेश को क्रेडिटर बना रही हूँ, यू नो, या मैं बना रही हूँ मेरा डेटर था, वो कहा मेरा डेटर था, उसने मेरे को इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट इज माय इनकम, आई हैव टू क्रेडिट इंटरेस्ट. सो दिस कैन बी आस्क्ड इन द जर्नल एंट्री एज वेल, ठीक है? वो आपको ऑप्शन देगा, वेंकटेश इज टू बी डेबिटेड, इंटरेस्ट इज टू बी डेबिटेड, इंटरेस्ट इज टू बी क्रेडिटेड, वेंकटेश इज टू बी क्रेडिटेड. तो यू विल बी गोइंग विद द थर्ड ऑप्शन वेयर इंटरेस्ट इज बीइंग क्रेडिटेड, राइट. सो दिस इज अ गुड पॉइंट, गुड. आगे चलो सर, आप बोलो जी. सैलरी पेड टू ऑफिस मैनेजर बाय चेक रुपीज 450. सैलरी पेड टू ऑफिस मैनेजर बाय चेक बाय रुपीज 450. बाय सैलरी. मैनेजर का नाम अगर रोहित भी होता तो रोहित का नाम नहीं आता, सैलरी का आता. मैंने एक्सपेंस का नाम लिखना है, पर्सनल अकाउंट का नहीं. बाय सैलरी, बिल्कुल ठीक. विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज. एंट्री बोलो पहले. विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज. एक मिनट. हाँ, टू कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक है, टू बैंक. तो बाय वाली साइड पे लिख दीजिए बाय ड्रॉइंग्स, और अमाउंट लिख दीजिए बैंक वाले कॉलम में, ठीक है? चलो अर्लीन, परचेस अ बाइसाइकिल फॉर ऑफिस यूज. बाय बाइसाइकिल, बिल्कुल ठीक है. कुछ नहीं कहा तो कैश में खरीदा है, 300 का कोई बाइसाइकिल नहीं आता, सालों पुरानी बुक है तो उसने अमाउंट वैसे ही रखी. अब तो 50-60 हजार के साइकिल आते हैं, ठीक है? तो इसने 300 का लिखा, पता नहीं कहां से खरीद के लेके आया, बेबी साइकिल भी नहीं आता इतने में तो. चलो आगे चलते हैं. पेड ऑफिस रेंट. रेंट भी 80 रुपीस कहां है? चलो जपेश, पेड ऑफिस रेंट बाय रेंट, बिल्कुल ठीक है. कैश के कॉलम में 80 लिख दीजिए. सोल्ड गुड्स टू शाह फॉर कैश. चलो समृद्धि, बिल्कुल ठीक है. सोल्ड गुड्स टू शाह, शाह का नाम नहीं आएगा क्योंकि सेल ऑन कैश है, तो शाह का नाम तब आता है जब वो क्रेडिट पे. टू सेल्स, बिल्कुल ठीक. कैश के कॉलम में 900. चलो मेघा,
बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स और बाय इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। बॉन्ड्स का मतलब है आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया, बाय इन्वेस्टमेंट लिख देंगे तो भी ठीक है, बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स लिखेंगे तो भी ठीक है। अमाउंट कहाँ डालेंगे? कैश में ही डालनी चाहिए। पता है वैसे रूल पता क्या है, प्रैक्टिकली अगर होके सोचे, जब बॉन्ड्स खरीदते हैं और घर बैठे बैठाए आपको बॉन्ड्स मिलने हैं तो हम बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं। अब यहाँ पे आंसर की मैचिंग है, अगर कहीं बैंक कॉलम का आंसर 700 रुपए से वेरी करेगा तो इट मीन्स कि उसने बैंक में डाला। गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू कम टू आवर होम टू कलेक्ट द कैश, दिस इज व्हाट द प्रैक्टिकल सेंस आई एम टेलिंग यू। विल बी ट्रांसफरिंग द मनी फ्रॉम योर अकाउंट टू गवर्नमेंट अकाउंट, यू आर गेटिंग मी। सो अगर 700 रुपए से आपके दोनों कॉलम का डिफरेंस आता है तो दिस विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस एंट्री, सो इन दैट केस यू विल बी पुटिंग इट ऑन बैंक, ठीक है। और वैसे फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आने, जब कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया करते थे तो मैं स्टूडेंट्स को ये बोलती थी जहां पे आपको डाउट है या जो आप ट्रीट कर रहे हो नीचे नोट लिख दो, स्टार बना के नोट लिख दो, ट्रांजेक्शन डेटेड ऑन 22nd December एज्यूम्ड ऑन चेक बेसिस या बैंक बेसिस, ठीक है। फिर एग्जामिनर आपके नोट और अजम्पशन के अकॉर्डिंग चेकिंग करेगा। यहाँ पे अब अजम्पशन का है ही नहीं क्राइटेरिया क्योंकि एमसीक्यू है, आपको किसी एक को टिक लगाना है वही राइट होगा। चलो, पेड ट्रैवलिंग अलाउंस टू द मैनेजर, ऑफिस मैनेजर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस? पहले इसका मीनिंग बताओ, यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ अलाउंस। ओके, यस, अलाउंस का मतलब होता है समथिंग बीइंग गिवन इन कैश इन एडिशन टू द सैलरी। तो कैश में कोई बेनिफिट देना सैलरी के अलावा, ठीक है। और बिल्कुल ठीक है, उसने बोला कंपनसेशन, फर्स्टली यू विल बी स्पेंडिंग फ्रॉम योर ओन पॉकेट और फिर आप उसका बिल दिखाओगे कि ट्रेवलिंग जॉब टूरिंग जॉब होगी ना मेरे मैनेजर की, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, बिल दिखाएगा, टैक्सी के थ्रू गया, बस के थ्रू गया, रेल के थ्रू गया, ही विल बी शोइंग द टिकट्स एंड बिल एंड अकॉर्डिंगली ही विल बी गेटिंग द मनी। यहाँ कई बार क्या होता है, एडवांस में 1000 ले जा, बाकी आके बिल दिखाना, बाकी मैं बाद में दूँ। सो दिस इज एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, वी आर कॉम्पनसेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस बाय ट्रेवलिंग अलाउंस, बिल्कुल ठीक है, और कैश के कॉलम में आएगा, राइट। चलो हर्षिका, आपके वाला हमने डिस्कस कर लिया, आप बोलो रिसीव्ड कमीशन, received commission, entry बोलो, it's on 27th December, हर्षिका, बिल्कुल ठीक है, to commission, cash के कॉलम में to commission, अगला भी आप बोलो, gave a check to Ajanta printers for advertisement, gave a check to Ajanta printers for advertisement, bye, गलत, बाय एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल नेम थोड़ा ना आना, एडवर्टाइजमेंट इज माय एक्सपेंस भाई, मैं उसका नाम दूंगी, ठीक है, अजंता प्रिंटर्स नहीं है लिखना, बाय एडवर्टाइजमेंट। सो एंट्री बनी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, 50 रुपए एडवर्टाइजमेंट के। आगे चलते हैं, 4 दिसंबर को प्रभाकर ने जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया। 4 दिसंबर को जब प्रभाकर ने चेक दिया था तो दीपक ने एंट्री बोली थी प्रभाकर अकाउंट डेबिटेड टू, गलत, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रभाकर। अब उलट कर दो, बोलो प्रभाकर टू बैंक, तो बाय वाली साइड पे लिख दीजिए बाय प्रभाकर और अमाउंट बैंक के कॉलम में लिख दीजिए। अगला पॉइंट, हु विल एक्सप्लेन, डिस्कस किया हुआ है फोर्थ एग्जाम्पल में, पहले दिन से जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था वी डिस्कस दिस पॉइंट, 2000 कैश ज्यादा था बैंक में करवा दिया, अच्छा 2000 से जितना ज्यादा कैश होगा वो बैंक में जमा करवाना। इट मींस कि आप पहले कैश कॉलम का आंसर निकालोगे इस लाइन को पढ़े बिना। कैश कॉलम का आपका आंसर आता है फॉर एग्जांपल 22,500, वो कहता है इसमें से सिर्फ 2000 अपने पास रखना है, बाकी बैंक में जमा करवाना है। इट मींस कि 20,500 की कॉन्ट्रा एंट्री दोनों साइड पे कर देना और बैंक के कॉलम का आंसर निकाल लेना। कैश के कॉलम का आंसर उसने खुद दिया हुआ है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज 2000, ठीक है, वेरी इजी पॉइंट। मतलब जो किया करते थे वो करो, फिर देखो आपका कितना बैलेंस है, वो मेरे को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि मैंने 2000 से ज्यादा कैश रखना ही नहीं, तो क्या करूं? कहता बाकी बैंक में जमा करवा देना, हम करवा देंगे, हमें कॉन्ट्रा एंट्री आती तो है बैंक में जमा करवाने, वी विल बी पुटिंग दिस एंट्री ऑन बोथ द साइड्स, गॉट इट? सो दिस यू हैव टू सी कि कितना कैश का बैलेंस आता है, राइट। कम टू नेक्स्ट, चलो एमसीक्यू डिस्कस करते हैं चैप्टर के, बस इतना ही आना है टिल योर 8th फॉलोअप, ठीक है, बाकी जो एक दो रहते हैं वी विल डिस्कस आफ्टर एग्जाम, वी विल नॉट लीव इट, जो भी टिपिकल पॉइंट होंगे वी विल श्योरली डिस्कस, एंड द टाइप ऑफ कैश बुक आल्सो वी हैव टू डिस्कस। ट्यूसडे आई विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर की थ्योरी मैंने बोला हुआ ना अभी करवानी है और जर्नल की भी करवानी है, पहले बेसिक टर्म्स 2 दिन लगा के रिवाइज करते हैं उसके बाद जर्नल और कैश बुक की थ्योरी करेंगे, ठीक है।
ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए कि किस तरह के थ्योरी के पोर्शन आएंगे। और इस टेस्ट में अभी कैश बुक आई नहीं आपका, ठीक है। चलिए जी एमसीक्यू देखो, देखो आपको एमसीक्यू आते हैं सारे, पेज नंबर 7.45, सी द एमसीक्यूज, डिस्कशन अबाउट एमसीक्यूज, एवरीवन विल सी, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इंडिकेटेड इंडिकेट द ऑल्टरनेटिव विच यू कंसिडर टू बी करेक्ट, गिव रीजंस। चलो हमने रीजन तो करने नहीं, ए बी सी डी करना है। द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक इंडिकेट्स, तीन ऑप्शन में से क्या, जब बैंक का बैलेंस डेबिट साइड पे ही होता है तो उसका मतलब क्या है, हैव यू विदड्रॉन मोर, हैव यू डिपॉजिटेड इट इनटू द बैंक और कैश एट बैंक। देखो थर्ड ही है क्योंकि डिपॉजिट की तो कॉन्ट्रा आती है, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट का सी है, डन, ठीक है जी। इसी क्वेश्चन को मैं आगे चलती हूँ, जैसे अभी मैंने मधु से पूछा था, अगर मैं बोलूं द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम इन द कैश बुक इंडिकेट्स कैश इन हैंड, तो राइट ऑप्शन होती कैश इन हैंड। आई एम रिपीटिंग माय लाइन, आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन, बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम इन द कैश बुक इंडिकेट्स कैश इन हैंड एंड इट इंडिकेट्स कैश एट बैंक, राइट। चलिए जी सेकंड पढ़िए, द बैलेंस ऑफ कैश कॉलम इज ऑलवेज, सिखाया पहले दिन से डेबिट, ठीक है। कभी भी आपके पास पैसा कम हो और आप ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, मेरी वाली लाइन याद रखना, चादर देख के पैर पसार लो, सो यू कांट स्पेंड मोर देन द अमाउंट रिसीव्ड, आपको आया कैश कम हो और आप खर्चा ज्यादा कर दो, ऐसा नहीं कभी होता। सो कैश का बैलेंस हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, इट कांट बी नेगेटिव। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नहीं कर सकते, पेटी कैश बुक नहीं करवाई, सी और डी छोड़ दीजिए, ई पे आइए, कैश बुक एंड बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन कैश, ऑल कैश एंड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, ऑल क्रेडिट एंड कैश परचेजेस ऑफ गुड्स, मेरे हिसाब से पहला, ठीक है, ई का फर्स्ट है, ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन कैश, क्रेडिट की तो यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है। विल यू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन इन द कैश बुक लाइक डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, नो, बिकॉज इट इज अ नॉन कैश आइटम। विल यू रिकॉर्ड सैलरी आउटस्टैंडिंग इन द कैश बुक, नो, सैलरी आउटस्टैंडिंग मींस इट हैज नॉट येट पेड, जब पे ही नहीं किया तो कैश ना आया ना गया भाई, ठीक है। सो फ्यू ट्रांजेक्शन यू कैन पुट फॉर योर कंफ्यूजन इन द पेपर, यू नीड टू आइडेंटिफाई, यू नीड टू रिलेट इट विद द कॉन्सेप्ट्स लर्नड बाय, ठीक है। वहां पे मैं बार बार बोलती हूँ एनालिटिकल, इट इज गोइंग टू बी ट्रिकी, इट इज गोइंग टू बी एनालिटिकल, और आपने वर्ड टू वर्ड थ्योरी पढ़ के जानी है, जितनी क्लास में डिस्कस हुई है, प्रैक्टिस के लिए पीछे एमसीक्यू है, आपके रिवीजन टेस्ट भी हुए हैं, क्लास में टाइम टू टाइम मैं डिस्कस करती हूँ किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, राइट। चलो अगला भी, कैश अकाउंट विल शो, डन, कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक होना चाहिए, सब्सिडरी जर्नल, ये क्या कहता है इसको, हमने थ्योरी नहीं ना पूरी पढ़ी, सेकंड का ये बी कहता है, सब्सिडरी जर्नल एंड लेजर, क्रैम कर लो वर्ड, सब्सिडरी जर्नल एंड लेजर, ये दोनों का पर्पस सॉल्व करती है, ठीक है। आगे चलो थर्ड, अ कॉलमनर कैश बुक रिकॉर्ड्स, कॉलमनर मींस मैंने डबल कॉलम जैसे करवाई, ठीक है, क्या क्या रिकॉर्ड करती है, बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन एक्सेप्टिंग डिस्काउंट, ऑल कैश ट्रांजेक्शन एक्सेप्टिंग कैश परचेजेस एंड सेल, सी नहीं हो सकता, बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग डिस्काउंट, ट्रिपल कॉलम के बारे में तो नहीं बोल रहा, डी है। बच्चों हमारे सिलेबस में ट्रिपल कॉलम नहीं है, तो आप सुन लीजिए थ्योरी पर्पस के लिए, ट्रिपल कॉलम में एक कैश का कॉलम होता है, एक बैंक का कॉलम होता है और एक डिस्काउंट का कॉलम, ठीक है। ट्रिपल कॉलम हमारे सिलेबस में से डिलीट हो चुकी हुई है, पहले हम डबल कॉलम भी करवाते थे, ट्रिपल कॉलम भी करवाते थे। सो जो कॉम्प्रिहेंसिव कैश बुक है, कॉलमनर कैश बुक है, वो तीनों चीजों को क्या करती है, रिकॉर्ड। सो दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ कैश बैंक इंक्लूडिंग डिस्काउंट। वैसे मैं ट्रिपल कॉलम का क्वेश्चन नहीं डालूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं मेरे सिलेबस में नहीं है, तो आई विल नॉट डन। अगर डबल कॉलम आए फिर ठीक है, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन ओनली, ठीक है, अगर डबल कॉलम आएगा फिर कैश एंड बैंक। अभी करवाया ये वाला, कस्टमर्स चेक्स रिटर्न डिसऑनर्ड इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा ना, देखो जरा सी ऑप्शन है, फोर्थ का सी है, यस डन। बाकी सारी बुक्स तो हमने करी भी नहीं, वैसे भी कैश बुक का चैप्टर है तो कैश बुक की ऑप्शन होगी, ठीक है। आगे चलो, वैसे तो जर्नल में भी रिकॉर्ड होता है ना, इसको एक ऑप्शन बनानी चाहिए थी, डी, बोथ सी, रादर इसको बी में लिखना चाहिए था जर्नल, सी में लिखना चाहिए था कैश बुक, और डी में लिखना चाहिए था बोथ बी एंड सी, क्योंकि डिसऑनर्ड चेक हमारा जर्नल में भी तो रिकॉर्ड होता है, ठीक है।
कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बिल्कुल ठीक। अगला ध्यान से पढ़ के, चारों ऑप्शंस पढ़ के समझ के आंसर करना। वाइल पोस्टिंग फ्रॉम द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, क्रेडिट साइड कौन सी है, पेमेंट साइड, ठीक है। वाइल पोस्टिंग फ्रॉम द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक ओनली इंडिविजुअल अकाउंट्स आर पोस्टेड, सारा पढ़ते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट्स आर डेबिटेड एंड टोटल कैश कॉलम इज क्रेडिटेड, ओनली इंडिविजुअल अकाउंट्स आर क्रेडिटेड एंड नो नीड टू पोस्ट द कैश कॉलम टोटल, इंडिविजुअल अकाउंट्स आर क्रेडिटेड एंड टोटल ऑफ कैश कॉलम इज डेबिटेड। सिक्स और सेवन दोनों छोड़ दो, क्योंकि डिटेल में अभी हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं, यू विल गेट कंफ्यूज। सिक्स और सेवन छोड़ दो, इस तरह का नहीं आएगा। पेटी कैश बुक छोड़ दो, अभी तक नहीं करवाया। नाइन्थ भी पेटी कैश बुक का नहीं करवाया। टेंथ पढ़ो, कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक आर पोस्टेड टू, कॉन्ट्रा ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक आर पोस्टेड टू, कॉन्ट्रा ऑन डेबिट साइड क्या है, कैश टू बैंक है, उलट भी हो सकता है वैसे, पर इसमें मेरे को ऑप्शन देखनी पड़नी है। डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट इन लेजर, क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट इन लेजर, नोट पोस्टेड इन लेजर, डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन लेजर, डेबिट साइड ऑफ बैंक, इसने कौन सी ऑप्शन लिखी, नोट पोस्टेड इन लेजर, बिल्कुल इसने बिल्कुल ठीक लिखा है। क्यों, एक साइड पे आया कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, चाहे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश ही हो, दूसरी साइड पे उसका रिवर्स आ जाना है तो लेजर में तो आना ही नहीं, क्योंकि दोनों तो क्रॉस हो गए। एक साइड पे कैश बढ़ा, दूसरी साइड पे बैंक कम हुआ, एक साइड पे बैंक बढ़ा, दूसरी साइड पे कैश कम हुआ, सो इट इज नॉट टू बी पोस्टेड टू द लेजर, गेटिंग इट क्लियर, सो नॉट पोस्टेड इन द लेजर। अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्रू और फॉल्स, बैंक अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, बैंक अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट, बैंक के ऊपर रूल लगता है, कैश अकाउंट इज ऑल्सो अ रियल अकाउंट, इज इट अ पर्सनल, इज इट अ नॉमिनल, कैश नॉमिनल हो सकता है, कैश पर्सनल हो सकता है, नो ठीक है। कैश बुक इज बोथ अ लेजर एंड अ सब्सिडियरी बुक, अभी करवाया, लेजर एंड सब्सिडियरी बुक ट्रू। अ कॉन्ट्रा एंट्री इज वन व्हिच डज नॉट रिक्वायर पोस्टिंग इनटू लेजर, ट्रू, लेजर में नहीं जाती कॉन्ट्रा। अ कॉन्ट्रा एंट्री अपीयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक, ट्रू। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑलवेज शोज द डेबिट बैलेंस, नो फॉल्स, क्योंकि बैंक का क्रेडिट भी हो सकता है, बिकॉज बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, हैड ही बीन राइटिंग कैश तो सही था, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, तो करेक्ट है। आगे चलते हैं, बैंक कॉलम्स ऑफ कैश बुक रिप्रेजेंट बैंक अकाउंट इन द लेजर, ट्रू। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक मतलब बैंक अकाउंट बनाएंगे अलग से लेजर में, ट्रू। कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, नो, सेल्स बुक इज मेंट फॉर क्रेडिट सेल्स, हमने चैप्टर करना है, ठीक है। कैश सेल्स कहां पे रिकॉर्ड होती है, कैश बुक में रिकॉर्ड होती है, सेल्स बुक में। सो दैट इज एनफ फॉर टुडे एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर ऑल्सो। In a revision session, we will discuss about the theoretical concept of cash flow.